वर्तमान समय में भविष्य की चुनौतियों की तैयारियों के चक्कर में माता पिता अपने बच्चों से उनका बचपन छीनते जा रहे हैं। बच्चों में छुपी प्रतिभाओं को बाहर लाने और उन्हें बचपन जीने की सीख के लिए उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र खटीमा में चल रहे 5 दिवसीय लेखन और रचनात्मक कौशल कार्यशाला का समापन हो गया। उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान, ज्ञान विज्ञान समिति और बाल प्रहरी संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में सीमांत क्षेत्र के 17 स्कूलों के 160 स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग कर अपने भीतर छुपे कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यशाला के अंतिम दिन खटीमा फाइबर के परिसर में उत्तराखंड बाल संस्था के द्वारा स्कूली बच्चों को काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में बच्चों के द्वारा स्वरचित पुस्तकों की भी प्रदर्शनियां लगाई गयी। वहीं आपको ये बता दें कि 5 दिवसीय इस कार्यशाला में बच्चों की लेखन कला विकसित करने के साथ साथ उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को विभिन्न माध्यमों से बाहर लाने का काम किया गया। बच्चों ने लेखन, काव्य कहानी, पेंटिंग सहित विभिन्न विषय को इस दौरान कार्यशाला में सीखा। कार्यशाला के अंतिम दिन बच्चों ने जहां स्वरचित काव्य पाठ किया, तो वहीं इस दौरान मंच का संचालन भी बच्चों के द्वारा ही किया गया। स्कूली बच्चों ने कार्यशाला में प्रतिभाग कर बहुत कुछ नया सीखने की बात कही। बच्चों की 5 दिवसीय लेखन कार्यशाला जो कि 1 जनवरी से 5 जनवरी तक है, इसमें हमने कई सारी चीजें सीखी जैसे कविता लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन इत्यादि। और इस कार्यशाला में हमें अच्छा लगता है। इस कार्यशाला में मैं दूसरी बार आई हूँ और यह कार्यशाला में 17 स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया और इस कार्यशाला में 160 बच्चे थे और उसमें से कई सारे ग्रुप बनाए गए और यहाँ पर जो प्रस्तुत किए गए हैं। और इस कार्यशाला में मतलब बच्चों का समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। इस कार्यशाला का मुख्य मकसद है कि बच्चों के व्यक्तित्व को विकास करना। जो बच्चों को स्कूल में जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं उन चीज़ों को यहाँ पर इस कार्यशाला में बताया जाता है। जिस प्रकार से बच्चों को खेल खेल में प्रतिष्ठित सिखाने का मौका दिया जाता है, बच्चों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, बच्चे की झिझक को दूर करने का वहाँ पर उसको मौका दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप बच्चों को कराए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाती हैं जो उसको स्कूल में इस तरह का मौका नहीं पाता। जो बच्चों को लेबोरेटरी में नहीं मिलती, जो एक खुले आसमान के नीचे हम बच्चों को सिखाते हैं, वो सब चीज़ें बच्चों को सीख कर बच्चा बहुत फायदा महसूस करता है। संवाद 360 के लिए उधम सिंह नगर से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।